हाय स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है अच्छे से कि आप सब इस वीडियो का बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी दिनों से। मेरा कमेंट बॉक्स, मेरा इनबॉक्स, व्हाट्सएप सब एकदम भर गया है आपके कमेंट से, आपका क्वेश्चन से कि सर ये बता दीजिए कि हम लोग क्लास 12 में प्रमोशन मिलेगा क्या या फिर नहीं मिलेगा, हम लोग फेल करेंगे या पास करेंगे, हम लोगों का रिज़ल्ट क्या होगा। तो सबका सॉल्यूशन लेकर इस वीडियो में मैं आया हूँ। काफ़ी लंबा रहेगा वीडियो, अच्छे से लास्ट तक देखना, सुनना मैं क्या क्या बताता हूँ, अच्छे से नोटिस करना और फिर मुझे कमेंट में बताना कि आपका फिर से भी कोई प्रॉब्लम रहा है या नहीं रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये अराइज होता है कि आप सब पास करेंगे या फिर फेल करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि AHSEC का एक नियम है कि आप लोगों को किसी भी एक मेजर सब्जेक्ट में पास करना होता है। मैंने पहले भी ये बताया कि आपको इंग्लिश में या फिर EVS में, या इंग्लिश इसके मतलब बदले में आपका बंगाली भी हो सकता है, कोई भी आपका मेजर लैंग्वेज जो है, आप मदर टंग कह सकते हो उस लैंग्वेज में, और साथ में EVS में, इन दोनों सब्जेक्ट में पास करना मैंडेटरी रहता है AHSEC के हिसाब से। लेकिन अगर आप किसी एक पे भी पास कर गए तो आप तब भी आपका हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, आप समझ सकते हो कि आपका 12th में प्रमोशन हो गया। तो आगे जो बात आता है वो आता है कि अगर इन दो सब्जेक्ट में आप फेल कर गए तो आपका क्या होगा। तो जैसे कि पता है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को अगर पास कर लोगे इस समय में, क्योंकि अभी फ्लड चल रहा है, काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि आपका 12th में ऑलरेडी प्रमोशन हो चुका है, नहीं होगा, काफ़ी सारे कॉलेजेस से भी नोटिफिकेशन आ गया है और बोर्ड से भी नोटिफिकेशन आया है, तो इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आप ये सब कह सकते हो कि अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में भी आप पास कर गए तो आपको 12th में प्रमोशन दे दिया जाएगा। अभी और बात है, अच्छे से सुनना, आपका प्रमोशन को लेकर, कि आपका प्रमोशन को लेकर तो अभी तक बोर्ड के तरफ से कोई भी नोटिस ऐसा नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली एक नोटिफिकेशन आया है बोर्ड से, जो कि आप देख सकते हो बोर्ड की साइट में, कि आपका 11th का क्लास को एंड करने के बाद ही सभी कॉलेजेस को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो लोग जल्दी से जल्दी क्लास 12 का स्टार्ट भी कर दे, क्योंकि क्लास 12 का क्लास स्टार्ट होने से आपका एग्ज़ाम भी मतलब फरवरी में हो जाएगा 23 में, तो कम टाइम है बहुत, तो आपको पढ़ना भी है, तो इसलिए इंस्ट्रक्शन दे दिया गया सभी कॉलेजेस को कि आप लोग क्लास 11th के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही क्लास 12 का क्लास स्टार्ट कर देना। तो इससे आपको एक इनडायरेक्ट सिग्नल मिलता है बोर्ड से आपका रिज़ल्ट या फिर प्रमोशन को लेकर। बोर्ड डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता पाएगा ऐसे कि आपका प्रमोशन फ्रीली कर दिया गया, क्योंकि अभी ऐसा कुछ मेजर पेंडेमिक जैसा नहीं हुआ कि बोर्ड बता दे कि आपका प्रमोशन हो गया, ऐसा अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, आ भी सकता है, मैं बस बता रहा हूँ नहीं आने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन बोर्ड की तरफ से ये इनडायरेक्ट नोटिफिकेशन जो है ना, ये सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि बोर्ड इनडायरेक्टली ये बता रहा है कि आपका क्लास एक बार स्टार्ट हो जा रहा है क्लास 12 का, और बोर्ड को भी अच्छे से पता है कि आपका क्लास 12 का स्टार्ट एक बार हो गया तो फिर से क्लास 11th में आपको लाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि करंट जो सीनरी है उसमें काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो जाएंगे, फिर बोर्ड के खिलाफ भी कुछ मतलब हो सकता है, तो इसके लिए ये नहीं होगा, ये हो भी नहीं सकता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो से कि आप सब ये मान के चलिए कि आपका क्लास 12 में प्रमोशन हो गया है अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में अच्छा मार्क करके पास कर गए। आपका अगर EVS और इंग्लिश में कोई भी एक सब्जेक्ट ऐसा हो या दो सब्जेक्ट ऐसा हो कि पास कर गए, तब तो आप 100% श्योर हो कि आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है कि पास नहीं कर रहे आप, और मतलब बाकी कोई सब्जेक्ट में अच्छे से मार्क मिल गए आपको, तब भी आप मान सकते हैं कि आपका प्रमोशन हो गया। मैं इस प्रमोशन को 99.99% मान रहा हूँ, 0.1% मैं उन लोगों के लिए रख रहा हूँ जो लोग ये मतलब ऐसा एग्ज़ाम गया है उनका कि उनका 6 में से 6 पेपर ही उन लोग फेल करेंगे या फिर अच्छा एकदम नहीं हुआ, तो उन लोगों के लिए मैं 1000% गारंटी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि कॉलेजेस, हर एक कॉलेजेस का भी इंटरनल मैटर होता है, तो उस इंटरनल मैटर को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस बात को एकदम मतलब 1000% गारंटी नहीं दे चाहूँगा, देना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं फेकली आपको ये आशा नहीं देना चाहता हूँ कि आपका प्रमोशन हो जाएगा। मैं प्रमोशन का रीज़न्स बता रहा हूँ, अगर वो रीज़न्स आप मान गए आपका ऐसा हो गया तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन आपका ऐसा निकला कि आपका कोई भी सब्जेक्ट में आप पास नहीं कर रहे हो, तब वो कॉलेज का इंटरनल डिसीजन रहेगा, कॉलेज अगर प्रमोशन देना चाहता है तो दे पाएगा, नहीं देने से नहीं देगा, आपका फिर से 11th में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट्स का ऐसा रहा है कि उनका एग्ज़ाम कोई भी एक भी अच्छा चला गया तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी तक जिनका एग्ज़ाम पूरा ख़राब गया उनको भी बताना चाहता हूँ कि बोर्ड की तरफ से अभी तक कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन आ भी सकता है कि आप सबका प्रमोशन एक साथ हो जाए, क्योंकि किसी एक स्टूडेंट के लिए नाइंसाफ़ी नहीं किया जाएगा, ये मतलब बोर्ड को भी पता है कि 100 स्टूडेंट्स को अगर प्रमोशन दे जा रहा है तो किसी एक स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं रुका जाएगा, तो यह आप भी सोच सकते हो कि ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि आपका दोस्त लोग अगर उठ जा रहे हैं तो आपको भी उठा दिया जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए, क्योंकि ये क्लास
11th है, क्लास 11th में प्रमोशन इज़ नॉट ए मेजर फैक्टर। क्लास 12 में आपका प्री फाइनल एग्जाम में अगर प्रमोशन के मतलब ऐसा कुछ एग्जाम हो कि जिसमें पास करना है आपको, तब ये माना जाएगा कि जो लोग पास कर रहे हैं उनको ही प्रमोशन दिया जाएगा, क्योंकि 12 एक बोर्ड के मतलब बोर्ड का रिजल्ट रिकॉर्ड जो है उसको इम्प्रूव या फिर उसको नीचे नमाता है उठाता है, तो इसके लिए काफ़ी सारे मतलब डिसीशन लिए जाते हैं बोर्ड के तरफ से और कॉलेजेस के तरफ से। 11th में इतना कुछ मेजर होता नहीं है, तो इसके लिए सबको प्रमोशन देना भी ईजी रहता है, तो इसलिए बोर्ड भी इसमें कुछ ज़्यादा शामिल नहीं होगा, कॉलेजेस के ऊपर ही छोड़ देगा ये वाला बात। और रिज़ल्ट रहा आपकी रिज़ल्ट की बात, तो अभी तक बोर्ड की तरफ से रिज़ल्ट को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर बोर्ड के तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको बता दूंगा। आपको अच्छे से पता है कि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो लोग ये फेक प्रमोट कर रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट को लेकर डेट को लेकर, तो प्लीज़ उन सब डेट्स को इग्नोर कीजिए, एकदम इग्नोर कीजिए। मैं जब तक कोई रियल नोटिफिकेशन ना आए मैं आपको नहीं बताऊँगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने में काफ़ी देर कर दिया, क्योंकि मुझे जब तक कोई अच्छा नोटिफिकेशन का अच्छा न्यूज़ रियल न्यूज़ नहीं मिलता है मैं आपको सबको नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप सभी को मतलब ऐसे ही आप लोग टेंशन में रहते हो, तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि आप सभी को कोई रियल न्यूज़ देना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी न्यूज़ में दूँ वो एकदम सच रहे, फेक नहीं रहे, एकदम मतलब 1000% रियल रहे, ताकि आप सबको ये देखकर मतलब थोड़ा ऐसा रिलीफ मिले, ना कि आपका टेंशन बढ़ जाए। काफ़ी सारे चैनल्स ऐसे होते हैं जो टेंशन बढ़ा देते, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो शेयर करना। रिज़ल्ट रिगार्डिंग अभी तक बोर्ड की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया, अगर आएगा मैं बता दूंगा, लेकिन रिज़ल्ट को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है। अभी इस वीडियो से हम ये कंक्लूड कर सकते कि आपका एग्ज़ाम कल यानी 8th को ख़त्म हो रहा है और आपका उसके बाद से आपका कॉलेज स्टार्ट हो रहा है। आप सभी को कॉलेज के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लास 12 में आप उठ जाओगे, सब टेंशन मत करो, अच्छे से पढ़ाई करना। 12 में मैं साथ में रहूँगा, मेरे बातों को अच्छे से पहले से सुनना और प्लीज़ मैं जो जो बताऊँ, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ क्लास 12 को, अच्छे से पता है क्या क्या गलतियाँ होते हैं, तो उनको प्लीज़ दोहराना मत। मैं बार बार बोलूँगा क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, अच्छे से सुनना। और इस वीडियो को अभी ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ताकि सबको ये वीडियो सुनकर कुछ रिलीफ मिल सके कि आप लोग प्रमोशन मिल जाएगा किस किस बेसिस पे, उसको मद्देनज़र रखो। अभी तक भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा गया है कि कल का एग्ज़ाम बाकी है, तो उसको अच्छे से दो कल का एग्ज़ाम। अगर किसी का ऐसा रहा है कि एग्ज़ाम बाकी है अभी तक अच्छा नहीं गया है, तो ये चांस है कल का एग्ज़ाम अच्छे से दो और अच्छे से करके आओ। मैं हमेशा आपके साथ हूँ रहूँगा, और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों का साथ शेयर करना, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।